नमस्कार मित्रों, मैं भरत राणेजा अपने ज्योतिष प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे एक फलित सूत्र के बारे में। ये फलित सूत्र उन लोगों पर लागू होता है जिनका जन्म 15 अप्रैल से 15 मई के बीच हुआ है। मित्रों, 15 अप्रैल से 15 मई के बीच सूर्य जो है अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहे होते हैं। सूर्य की उच्च राशि मेष राशि। अगर आप उन लोगों की जन्म कुंडली देखें जिनका जन्म 15 अप्रैल से 15 मई के बीच हुआ है, तो उनकी जन्म कुंडली में सूर्य जहां पर एक नंबर लिखा हुआ है, जन्म कुंडली में किसी भी भाव में एक नंबर लिखा हुआ है, वहां पर सूर्य देव विराजमान होंगे। यानी इस समय जो है 15 अप्रैल से 15 मई के बीच सूर्य मेष राशि में गोचर कर रहे होते हैं और सूर्य की उच्च राशि होती है मेष राशि। और मित्रों, जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य देव जो है वो उच्च के होते हैं, उन्हें जीवन में मान सम्मान मिलता है, उच्च पद मिलता है, उन्हें अथाह संपत्ति मिलती है। मित्रों, ये सूर्य के शुभ परिणाम है। यानी सूर्य जन्म कुंडली में उच्च का होता है तो ये सभी सुख उस जातक को देता है। इसके अलावा बात करें कि ऐसा जातक जिसकी जन्म कुंडली में सूर्य देव उच्च के है, वो चाहे कैसा भी प्रस्ताव पारित कर ले, उस प्रस्ताव में किसी का भी निजी स्वार्थ ना हो, पर उस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है। मित्रों, ये उच्च सूर्य का परिणाम यानी उच्च सूर्य के शुभ फल है। मित्रों, मेष राशि में तीन नक्षत्र होते हैं, अश्विनी, भरणी और कृतिका। ये तीन नक्षत्र होते हैं। अब आपका जन्म जो है 15 अप्रैल से 15 मई के बीच हुआ है तो सूर्य जो है वो मेष राशि में है। अब सूर्य का नक्षत्र कौन सा है ये भी आपको देखना है, क्योंकि सूर्य जो है जन्म कुंडली में तो उच्च का है, अगर नवमांस में नीच का हो जाए तो इसके विपरीत परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। यानी सूर्य जो है, आप लग्न कुंडली देखते हैं, उस लग्न कुंडली में जहां पर एक नंबर लिखा हुआ है यानी मेष राशि है, वहां पर विराजमान है। पर नवमांस कुंडली देखते हैं तो नवमांस कुंडली में जहां पर 7 नंबर लिखा हुआ है यानी कि तुला राशि, वहां पर सूर्य देव विराजमान है। तो नवमांस कुंडली में सूर्य देव जो है वो नीच के हो जाते हैं, तो इस वजह से उच्च सूर्य के जो फल आपको मिलने होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं। तो मित्रों, ऐसा कब होता है कि जन्म तो 15 अप्रैल से 15 मई के बीच हुआ है, लग्न कुंडली में सूर्य देव उच्च के है, पर सूर्य देव का नक्षत्र कौन सा है ये आपको देखना होगा। नक्षत्र मेष राशि में तीन नक्षत्र आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। उन तीन नक्षत्रों में से भरणी नक्षत्र में अगर सूर्य है, यानी भरणी नक्षत्र के सूर्य है और भरणी नक्षत्र के तीसरे चरण में अगर सूर्य है तो नवमांस कुंडली में सूर्य नीच के हो जाते हैं, तो इस वजह से आपको विपरीत फल देखने को मिलेंगे। यानी ऐसे व्यक्ति का जीवन जो है वो कलंकित जीवन होता है, उसके पास संपत्ति तो होती है पर वो किसी न किसी तरह से कर्ज के कारण हो, चाहे कैसे भी हो, वो जमीन जो है वो बिक जाती है। उस व्यक्ति को बार बार सरकारी दंड भोगना पड़ता है, उस पर कई प्रकार की कानूनी कार्रवाइयां चलती रहती है, उसे किसी न किसी तरह से बाहरी लोग जो है वो परेशान करते रहते हैं, ऐसा उसके जीवन में देखने को मिलता है। तो मित्रों, आप जन्म कुंडली में तो देख रहे हैं, इसके साथ साथ आपको नवमांस कुंडली भी देखनी चाहिए कि नवमांस कुंडली में भी ग्रह उच्च का है या स्वराशि का है या फिर वो नीच का नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर ऐसा होता है कि लग्न कुंडली में सूर्य उच्च का है और नवमांस में नीच का हो रहा है तो आपको सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए। सूर्य उदय से पहले आपको जग जाना चाहिए, आपको निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, आपको सजग रहना चाहिए अपने विरोधियों से, तो आप आगे बढ़ पाएंगे, आप तरक्की कर पाएंगे, आप अपनी समस्याओं से लड़ पाएंगे और समस्याओं से लड़कर ही आगे बढ़ा जाता है। तो मित्रों, ये जानकारी थी मेरी ओर से एक फलित सूत्र के बारे में जो मैंने आपको दी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना, अपने मित्रों के साथ शेयर करना। फिर मिलेंगे नई जानकारी लेकर। धन्यवाद।